हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल झार ट्यूटोरियल। झार ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 29B का 6th नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने 5th नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, चलिए 6th नंबर क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। एन अर्न कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल एंड 8 ब्लैक बॉल। एक अर्न है जिसमें 5 क्या है व्हाइट बॉल और 8 क्या है ब्लैक बॉल, तो टोटल बॉल कितने हो गए 8 + 5, टोटल बॉल हो गए हमारे पास 13। चलिए आगे पढ़ते हैं। टू सक्सेसिव ड्रॉइंग्स ऑफ 3 बॉल्स एट अ टाइम आर मेड सच दैट द बॉल्स ड्रॉन इन द फर्स्ट ड्रॉ आर नॉट रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड ड्रॉ। मतलब दो बार हम लोग तीन तीन बॉल निकाले एक साथ, एक साथ गौर करिएगा, तीन तीन बॉल निकाले एक साथ, यह एक साथ जो है ना ये क्वेश्चन की दिशा को बदल देगा। ठीक है, कैसे निकाले एक के बाद एक, और इस तरह से निकाले कि द फर्स्ट बॉल्स आर नॉट रिप्लेस बिफोर द सेकंड ड्रॉ। जो पहली बार जितने तीनों बॉल्स को हम लोगों ने निकाला उसको हम लोग रिप्लेस नहीं किया, मतलब वो जो निकाले तो वो निकाले ही, मतलब उसका उसको डाले नहीं। अब पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ गिव्स 3 व्हाइट बॉल एंड द सेकंड ड्रॉ गिव्स 3 ब्लैक बॉल। यानी पहले ड्रॉ में हम लोग 3 व्हाइट बॉल निकाले उसका प्रोबेबिलिटी, और दूसरी बार में हम लोग 3 ब्लैक बॉल निकाले, इस दोनों का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है, दोनों का बात पूछ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगा ही। अब देखिए यहां पे होगा कॉम्बिनेशन का यूज। अब आप कैसे समझेंगे यहां कॉम्बिनेशन का यूज होगा, इससे पहले तुम लोग कॉम्बिनेशन का यूज नहीं करते, समझिए कैसे यूज करें, एग्जाम में आ गया तो कैसे समझेंगे इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा। तो देखिए टू सक्सेसिव ड्रॉइंग ठीक है भाई, लेकिन क्या दिया हुआ है 3 बॉल्स एट अ टाइम, यानी एक साथ 3 बॉल को चुनना है। जब एक साथ 3 बॉल को हम लोगों को चुनना होता है तब हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, यानी हम लोगों को 5 व्हाइट में से 3 बॉल को चुनना है, यानी 5C3, समझे। चलिए समझ गए होंगे आप लोग, अगर एक ही बॉल को चुनना होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 बॉल को चुनना होता एक साथ तो 5C2, 4 बॉल को चुनना होता एक साथ तो 5C4। ठीक है, 5 व्हाइट बॉल में से तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं PA। PA क्या है, चूजिंग 3 व्हाइट बॉल। अब ये सब मैं नहीं लिखूंगा, बार बार समझाना ही तो है, चूजिंग 3 व्हाइट बॉल। तो PA क्या हो जाएगा, कितने व्हाइट बॉल है 5, उसमें से 3 चुनना है यानी 5C3। अच्छा टोटल कितने बॉल है 13, 13 में से भी 3 चुनना होगा 13C3। ठीक है, ये हो गया चूजिंग 3 व्हाइट बॉल। अब बी चूजिंग 3 ब्लैक बॉल, ये आप लिख लीजिएगा अपना। तो पी बी बाई ए, बी बाई ए क्यों कर रहे हो, क्योंकि ए इवेंट हो चुका है, यानी 3 बॉल हम लोग निकाल चुके हैं, तो पी बी बाई ए क्या हो जाएगा। अच्छा ब्लैक बॉल कितने हैं 8, तो 8C3, क्योंकि 3 ब्लैक बॉल चुनना है। अच्छा अब नीचे क्या होगा ये गौर करने वाली बात, देखिए पहली बार में हम लोग 3 बॉल तो निकाल चुके हैं भाई, निकाल चुके हैं 3 बॉल निकाल चुके हैं, तो इस 13 में से 3 तो कम हो जाएगा, यानी 10 ही बचेगा ना, 10C3। अच्छा यहां पे क्यों नहीं किया, यहां पे भी तो 5C3 कर देते, 3 बॉल निकल चुका है, तो नहीं हम लोग तो पहली बार में 3 व्हाइट बॉल निकाले हैं ना, ब्लैक बॉल को तो टच भी नहीं किए, इसलिए 8C3। अब समझे, अब आया है भयंकर वाला कैलकुलेशन। ऐसा क्वेश्चन रहे तो छोड़ दो, वैसे यहां पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन रहे तो छोड़ दो, यहां पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों का है प्रोबेबिलिटी, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पी ए इंटू पी बी बाई ए, यही तो होगा, दोनों इवेंट हो रहा है दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। चलिए ये इतना हुआ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो पुट करते हैं 5C3/13C3 और यहां 8C3/10C3। अब क्या करें, अब भाई सॉल्व करना होगा। अच्छा आपको इसका फॉर्मूला तो पता है ना, अगर यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखते हैं NCR मतलब N फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल बाय N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए अब यहाँ डालते हैं 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और 5 - 2 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, फिर बाई में 13 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल और 13, और यहाँ के 13 - 3 फैक्टोरियल यानी 10 फैक्टोरियल, फिर यहाँ n फैक्टोरियल यानी 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और 8 - 3 5 फैक्टोरियल, फिर यहाँ 10 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल की जगह 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे r फैक्टोरियल की जगह 3 फैक्टोरियल और 10 - 3 यानी 7 फैक्टोरियल। अब इसको करना होगा हम लोगों को सॉल्व, है थोड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन लेकिन हो जाएगा, कुछ भारी भी नहीं है। चलिए करते हैं सॉल्व। अच्छा एक बात आप लोगों को और पता होगा, हम लोग n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, n (n-1)(n-2)...1 तक। इस तरह से हम लोग 5 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 5
इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, यानी 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। तो एक बात और यहां से पता चला कि ऐसा होगा। अब देखिए 5 फैक्टोरियल को हम लोग 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इस पूरे की जगह पे हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं इसको, और 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये कैसे, 5 इंटू 4 को तो ऐसे छोड़ दिया और इसकी जगह 3 इंटू 2 इंटू 1 की जगह 3 फैक्टोरियल। तो ये बात हम लोगों को पता है। अब इसी चीज का यहां पे हम यूज करेंगे ऊपर नीचे कटा पिटी करने के लिए। 5 फैक्टोरियल को हम लोग लिखे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया। नीचे 3 फैक्टोरियल को ऐसा ही छोड़ दिया और 2 फैक्टोरियल को हम लोग लिखे 2 इंटू 1। अब देखिए यहां पे फिर 8 फैक्टोरियल को हम लोग लिखे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। यहां घिच भी छोड़ा है, हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। तो इतना आ गया था हमारे पास। मैंने आपको बताया था 5 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अच्छा 3 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसा ही छोड़ दिया ताकि कट जाए और 2 फैक्टोरियल को लिख दिया 2 इंटू 1। नीचे 13 फैक्टोरियल को हम लिख लेते हैं 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को हम लिख लेते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे फिर 10 फैक्टोरियल को एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 8 फैक्टोरियल को हम लिख लेते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 और 5 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे भीषण कटाकुटी होने वाला है। अब 10 फैक्टोरियल को कैसे लिखे, 7 फैक्टोरियल को हटाना है तो 10 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 7 फैक्टोरियल। नीचे 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल। कुछ हटेगा, पहले तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हटाइए, हट गया हट गया। 5 से 5 हटा, 7 से 7 हटा। अब क्या क्या बचा, अब यहाँ पे हम क्लियर लिखते हैं। पहले यहाँ क्या बचा, 5 इंटू 4 नीचे में 2, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 8 इंटू 7 इंटू 6, अब नीचे में क्या 3 इंटू 2। यहाँ पे देखिए क्या बचा, 13 इंटू 12 और नीचे में क्या 3 इंटू 2। यहाँ पे क्या बचा, 10 इंटू 8 इंटू 9, 10 इंटू 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 बात वही हुआ लेकिन फिर भी मैनर में होना चाहिए, और 3 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए, अब फिर यहाँ भी कटाकुटी होगा। पहले 2 से 2 कटा, चलिए यहाँ पे 5 इंटू 2 बचा। अच्छा यहाँ पे 3 टू जा 6 होगा, 3 टू जा 6, और नहीं यहाँ पे 12 है ना, तो 3 4 जा 12, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 11 भी था, 11 हम लोगों ने छोड़ दिया था, 11 भी लिख लिया, चलो अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 3 3 जा 9, यहाँ 3 से और 2 को 8 से काटेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 2 जा 6 और 6, तो इसी से कट जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए 5 इंटू 2 यहाँ बचा, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा हमारे पास ये 2 से 4 भी कट जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 13 इंटू 2 इंटू 11। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बच गया हमारे पास 8 इंटू 7, और यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास यहाँ बच जाएगा 3 10 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा ढंग से करिएगा, गलती हो सकता है यहाँ पे। देखिए फिर कटेगा, क्या कटेगा, देखिए 5 इंटू 2 10 और यहाँ भी 10, तो इससे ये कट गया। और कुछ कटेगा क्या, हाँ 2 4 जा 8 तो 4, अच्छा यहाँ भी 4 है, यहाँ से 4 कट जाएगा। ओवरऑल हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर में बच गया हमारे पास 7 और नीचे में 13 बचा, एक 11 बचा और एक 3 बचा, 13 इंटू 11 इंटू 3, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हुआ कैलकुलेशन तो आप खुद करके देख लीजिए, इतना ही आएगा, नहीं आए तो मुझे कमेंट कर दीजिए। ये हो गया 7, और इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो 13 इंटू 3 हो जाता 39, और 39 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करें तो 39 और 39 ये हो गया 9 2 4 4 29, ठीक है। यही रहा हमारा आंसर, इसमें इतना कुछ खास था नहीं, बस था कॉम्बिनेशन का यूज करना, वो आपको सीखना है। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 7th नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है अच्छा वाला, क्या दिया हुआ है, पीई वन दिया हुआ है हमारे पास 1 बाई 3, पीई टू दिया हुआ है हमारे पास कितना 3 बाई 5, बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहा है आपको, पीई वन यूनियन ई टू निकालना है, कब, जब ई वन ई टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू जीरो होगा, ये आपने पढ़ा होगा। तो पी ई वन यूनियन ई टू का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई वन यूनियन ई टू का फॉर्मूला होता है, यहां पे लिखते हैं पी ई वन प्लस पी ई टू माइनस पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू। पी ई वन कितना है 1 बाई 3, पी ई टू कितना है 3 बाई 5, और पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू 0 है,
किस केस के लिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, केस के लिए। ये क्या हो गया? अब एलसीएम लेते हैं तो 5 × 3 = 15 यहां पे हो जाएगा हमारे पास 5 और यहां हो जाएगा 9, तो ये क्या हो गया 14/15। इस क्वेश्चन का आंसर 14/15 होगा इसका प्रोबेबिलिटी। अब दूसरे में क्या पूछ रहा है? दूसरे में पूछ रहा है पी इवन इंटरसेक्शन ई टू निकालिए। कब? जब इवन ई टू इंडिपेंडेंट है। तो भाई इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा? पी इवन इंटू पी ई टू। अब ये समझे आप लोग, इसको ऐसे फील करिए। मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी हम लोगों को क्या सिखाता है? हम लोगों को सिखाता है पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी बाई ए। अब पी बी बाई ए क्या है? बी होने का प्रोबेबिलिटी जब ए हो गया है। मान लो ए हो गया है तब बी होने का प्रोबेबिलिटी हुआ पी बी बाई ए। लेकिन अगर ए और बी को मतलब ही नहीं रहे एक दूसरे से, यानी कि ये कब निकालते हैं? मान लो हम लोग दिए हैं कि एक बॉल निकालें और फिर उसको हम लोग उसमें डाले नहीं, यानी कि रिप्लेस नहीं किए, तब हम लोग फिर दोबारा दूसरा बॉल निकाले तब निकलेगा पी बी बाई ए। अगर हम लोग एक बॉल निकाले और दोबारा उसमें डाल दिए तो ये दोनों तो अलग अलग हो गया ना। इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, आप निकाले और डाल दिए, इसको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसके पास तो वही पुराना सेट है जो पहले था। तो इस केस के लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? इस केस के लिए हम लोग लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी, क्योंकि ये ए पे डिपेंड ही नहीं कि हम लोगों ने एक बॉल निकाला वापस डाल दिया कुछ फर्क नहीं पड़ा, जैसा था वैसा ही है। इसी वजह से यहाँ पी ई वन इंटरेक्शन ई टू क्या हो जाएगा? पी ई वन इंटू ई टू। पी ई वन क्या है? 1/3। पी ई टू क्या है? 3/5। 3 × 3 कट गया, 1/5। बहुत सिंपल है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन हम लोगों से कहा जा रहा है इवन ई टू आर टू इवेंट्स सच दैट पी इवन हमारे पास है 1/4, पी ई टू हमारे पास है 1/3 और पी इवन यूनियन ई टू हमारे पास 1/2। क्या कह रहा है कि इवन ई टू इंडिपेंडेंट इवेंट है, आपको ऐसा दिखाना है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए पी इवन इंटरसेक्शन ई टू क्या हो जाता है? पी इवन इंटू पी ई टू पिछले क्वेश्चन में किया था, अभी मैंने आपको बताया था कैसे करना है। पी इवन इंटू ई टू क्या हो जाएगा? 1/4 × 1/3 यानी कि 1/12। अब ये कब होगा? जब इवन ई टू इंडिपेंडेंट इवेंट है तब ऐसा होगा। तो हम लोग पी इवन यूनियन ई टू के फॉर्मूला से हम लोग अगर पी इवन इंटरसेक्शन ई टू का वैल्यू इतना ला दिए तो वही हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। कैसे? पी इवन यूनियन ई टू क्या हो जाएगा? पी इवन प्लस पी ई टू माइनस पी इवन इंटरसेक्शन ई टू इतना होता है। अब पी इवन यूनियन ई टू क्या है? पी इवन यूनियन ई टू है हमारे पास 1/2, है कि नहीं है? ठीक है, और तो पुट करते हैं 1/2। पी इवन कितना है? 1/4। पी ई टू कितना है? 1/3। अब माइनस पी इवन इंटरसेक्शन ई टू। अब पी इवन इंटरसेक्शन ई टू क्या हो जाएगा? इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, तो 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2। अब लेना है हम लोगों को एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 12, तो 4 × 12 यहां पे आ जाएगा हमारे पास 3, यहां पे आ जाएगा हमारे पास 4 और यहां पे हो जाएगा -6। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारे पास 7, ये हो गया -6/12, ये हो गया 12 हमारे पास 1/12। क्या इतना ही आया? ठीक है, हेंस दे आर क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 9th नंबर में क्या दिया हुआ है? इवन ई टू इंडिपेंडेंट इवेंट है, बहुत बढ़िया। और पी इवन दिया हुआ है हमारे पास 0.3 और पी ई टू दिया हुआ है हमारे पास 0.4। पहला क्वेश्चन क्या है? पी इवन इंटरसेक्शन ई टू निकालिए। तो भाई सिंपल सी बात है, पी इवन इंटू पी ई टू हो जाएगा, तो 0.3 × 0.4 हो जाएगा, यानी 0.12 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है पी इवन इंटरसेक्शन ई टू, नहीं ये तो पहला क्वेश्चन था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी यही है, पी इवन इंटरसेक्शन ई टू। ठीक है, तो मेरे बुक में तो यही है भैया, तो इसका भी आंसर 0.12 ही हो जाएगा। ठीक है, आंसर देखते हैं, आंसर इसका 0.58 दिया हुआ है, 0.58 नहीं, यहां पे होना चाहिए मेरे हिसाब से पी इवन यूनियन ई टू। ठीक है, मैं बुक में सही कर लेता हूं, पी इवन यूनियन ई टू होना चाहिए। ऐसा कैसे? क्योंकि पी इवन यूनियन ई टू हो जाएगा पी इवन प्लस पी ई टू माइनस पी इवन इंटरसेक्शन ई टू। तो पी इवन क्या है? 0.3,
प्लस 0.4 PE2 और ये PE1 इंटरेक्शन E2 निकला हमारे पास 0.12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.7 और माइनस 0.12 यानी 0.58। यहां पे क्वेश्चन में ये होना चाहिए, मेरे बुक में ये दिया हुआ है, आपके बुक में ये दिया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर आपके बुक में यही दिया हुआ है तो आप कमेंट करिए कि हाँ मेरे बुक में यही दिया हुआ है, क्योंकि आंसर तो तभी आएगा जब PE1 इंटरेक्शन E2 होगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया 9th का। तीसरा क्वेश्चन P नॉट E1 नॉट E2 का इंटरसेक्शन, अब ये क्या होगा? तो इससे पहले मैं आपसे एकदम छोटी सी बात पूछने वाला हूं, क्या P नॉट E1 आपको पता है? हाँ मुझे तो पता है, 1 minus 0.3 = 0.7। अच्छा PE2 नॉट का इंटरसेक्शन, P नॉट E2 पता है आपको, तो 1 minus 0.4 यानी 0.6। कैसे? आपको मैंने बताया था P होने का प्रोबेबिलिटी प्लस P नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। सिक्का उछाले, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, कुछ भी काम किए होने का प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 1 ही होता है। तो PE1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा? P not E1 0.7 × 0.6 यानी क्या हो जाएगा 0.42। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पी नॉट इवन इंटरसेक्शन E2, यही तो है, ये क्या हो जाएगा? पी नॉट इवन इंटू पी E2। अब पी नॉट इवन क्या है? पी नॉट इवन है हमारे पास 0.7 और E2 क्या है 0.4, तो यहां पे हो जाएगा 0.7 × 0.4 यानी कि 0.28। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो हम लोग देखेंगे 10th नंबर क्वेश्चन से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।